दोस्तों कैपकट एक ऐसा वीडियो एडिटिंग ऐप है जो पूरे वर्ल्ड में सभी क्रिएटर का फेवरेट है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इंडिया में बैन है। तो इसको आप अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आज की इस वीडियो में इसी का सलूशन देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में कैपकट को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है गूगल और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है VPN फॉर क्रोम। यहाँ पे आपको VPN फॉर क्रोम सर्च कर लेना है। यहाँ पे पहला जो URL आपको मिलेगा लिंक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऐड टू क्रोम का बटन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इस एक्सटेंशन को हमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है हमारे ब्राउज़र में, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये फ्री एक्सटेंशन जो हमने अभी इंस्टॉल किया है क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए स्टार्ट का बटन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है और ये हमारा VPN कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये रैंडम किसी कंट्री से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्रोम में वापस जाना है, आपको यहाँ पे कैपकट की वेबसाइट को ओपन करना है। अगर बिना VPN के आप ये ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ये बैन है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इंडिया में बैन है। तो कैपकट की यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड का, तो इस डाउनलोड के बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हमारा जो कैपकट है वो डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये कैपकट हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है कैपकट डेस्कटॉप वर्जन का। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है कैपकट डेस्कटॉप इंस्टॉलर, तो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी अगर आप डायरेक्ट इसको रन करेंगे अपने सिस्टम में तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसके लिए एक और ऐप हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपकट इंस्टॉल हो चुका है 100%। अब यहाँ पे देखिए ये एनवायरनमेंट टेस्टिंग कर रहा है कि हमारे सिस्टम में ये सेटअप चेक कर रहा है कि प्रॉपर ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसको आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे इसको हमें अब आपके सामने देखिए यहाँ पे कैपकट ओपन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये चलेगा नहीं। तो इसको हमें फर्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ये ऐसे ओपन होके आएगा इसको आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से आपको क्रोम में जाना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है अर्बन VPN। तो यहाँ पे देखिए अर्बन VPN आ जाएगा आपके सामने, अर्बन VPN की वेबसाइट आ जाएगी गूगल में। तो इसे यहाँ से आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है और इस VPN को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, यहाँ पे आपका थोड़ी देर में यहाँ पे ये देखिए इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है अर्बन VPN। इसको डाउनलोड होने के बाद इसे हमें अपने PC में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। और एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपने इससे पहले VPN कनेक्ट किया था उसे आपको डिसकनेक्ट कर देना है। अगर डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका सिस्टम स्लो करेगा। अब हमें इसका यूज़ नहीं है तो इसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया है, अब हमारा यहाँ पे जो अर्बन VPN है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अर्बन VPN यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पे इसे हम नेक्स्ट करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। यहाँ पे अर्बन जो VPN है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है, तो इसे हमें अब ओपन करना है। तो इनको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिनिश हो चुका है, हम इसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू फ्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट का सर्वर दिखा रहा है, इसे हमें कनेक्ट कर लेना है। तो
तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, कैप कट को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम कैप कट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये एनवायरनमेंट टेस्टिंग कर रहा है, तो इसे आप चाहे तो पूरा होने दीजिए या तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है कैप कट। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई इफेक्ट ओपन करेंगे, जैसे ट्रांजिशन में जाते हैं तो ये लोड हो गया, कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पे किसी भी चीज़ में जाएंगे आप, जैसे स्टिकर्स में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में। उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम इसमें टाइम लगता है। उसके बाद देखिए इफेक्ट में जाएंगे, सारे इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे इफेक्ट दिखता नहीं है, नो इंटरनेट कनेक्शन का इशू दिखाता है। तो वो इसी वजह से दिखाता है क्योंकि उसमें जो VPN कनेक्ट नहीं होता है, VPN नहीं कनेक्ट होता है, इसकी वजह से वो एरर दिखाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कोई सा भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल वीडियो दिया गया है, इसमें आप कोई सा भी इफेक्ट वगैरह लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।